अब टिमोन उस बच्चे को चेक करने के लिए जाता है, पर जैसे ही उसे ये पता चलता है कि वो तो एक शेर है, तभी वे उससे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। पर बाद में वे उसे अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए साथ में ले जाते हैं, जिसके बाद सिम्बा उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है। फिर धीरे धीरे सिम्बा उन दोनों के साथ मजे से खेलने लगता है और यहाँ तक कि उनके साथ चटपटे कीड़े भी खाता है। और ऐसे ही समय बीतता जाता है और सिम्बा जल्दी परिपक्व हो जाता है। वो यहाँ अपने दोस्तों के साथ मजे से रहता है, लेकिन इसके उल्टा प्राइसलैंड अब एक मृत भूमि बन चुकी थी, वो अच्छी भूमि जहाँ पर किसी टाइम सभी खुशहाल रहते थे। इस कार ने बग्गों के संग सब कुछ तबाह कर दिया। वे लगातार अनगिनत शिकार करते हैं और इसकी वजह से सब कुछ विलुप्त होने की कगार पर आ चुका है। दरअसल स्कार बहुत बुरा है। उसने न केवल अपने भाई को जान से मारा, इसके बजाय वो अपने भाई की पत्नी को भी पाना चाहता है। उसने सर्बी से कहा कि जब तक तुम मेरी पत्नी नहीं बन जाती, तब तक तुम्हें इसी जगह पर यूं ही दुबक कर रहना होगा, लेकिन इसके बदले सर्बी ने उसे अस्वीकार कर दिया। पर इस बात से स्कार उस पर काफी ज्यादा निराश हुआ, क्योंकि वो बिना रानी के एक संपूर्ण राजा नहीं बन सकता था। लेकिन तभी दूर से एक दहाड़ गूंजी। पार्ट 4 के लिए लाइक और कमेंट करें।